गुड मॉर्निंग, मैं हूं बीके सिंह और एक बार फिर से हर रोज की तरह शाही पाठशाला के डेली 100 करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में मैं आपके लिए महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर्स पर चर्चा करता हूं, जो सभी राज्यों के स्टेट पीसीएस एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हम आभारी हैं कि आपका ढेर सारा प्यार हमें मिलता रहा है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज है 8 अप्रैल और पेज संख्या है 95। पहला प्रश्न है, किस बंगाली लेखक और साहित्यकार को साल 2022 का प्रतिष्ठित द हिंदी पुरस्कार मिला है या प्राप्त हुआ है? तो ये है अमर मित्रा। याद रखिएगा, अमर मित्रा एक बंगाली लेखक हैं, इनको द हिंदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इनको द हिंदी पुरस्कार मिला है, अमर मित्रा। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमर मित्रा को द बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज 2022 का यह सम्मान किस लिए दिया गया है? उनकी एक रचना है गांव ब्यूरो के लिए दिया गया है। बांग्ला भाषा लिखी यह कहानी ग्रामीण जीवन पर आधारित है। लेखक ने इस कहानी की रचना 1977 में ही की थी, जब वह केवल 26 वर्ष के ही थे। इस कहानी का अंग्रेजी में अनुवाद वरिष्ठ पत्रकार अनीस गुप्ता द्वारा द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर नाम से किया गया था। साल 2021 में यह अनुवाद प्रतिष्ठित अमेरिकी साहित्य पत्रिका द कॉमन में प्रकाशित हुआ था। ओ हेनरी पुरस्कार क्या है? तो ओ हेनरी पुरस्कार एक वार्षिक साहित्य पुरस्कार है, जो अमेरिका में लघु कथाओं के लिए सबसे पुराना एवं प्रमुख पुरस्कार है। अब आइए जानते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग DAHD ने हाल ही में किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट जो है उत्तराखंड में लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? पशुपालन और डेयरी विभाग ने। तीसरा प्रश्न है, यहाँ से नंबर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 3 के बदले 4 हो गया है। तो मैं आप जो समझिए इसको जो है कि अब ठीक नंबर करके बोला करूँगा, लिखा हुआ जो भी है बोलूँगा सही, ठीक है। चलो आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया जाएगा, यानी आज के ही दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया जाएगा। इस यात्री मिशन का नाम क्या है? इस यात्री मिशन का नाम है एक्सियोन मिशन 1 या AX-1। याद रखिएगा, एक्सियोन मिशन 1 या AX-1, ये क्या है? यात्री मिशन का नाम है। मैं फिर से इसको बोल दूं, यह प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 8 अप्रैल यानी आज के ही दिन 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहली निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया है और इसका नाम AX-1 या एक्सियोन मिशन 1 है। अब आइए चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ, क्या नाम है कविता का? मैं तो यहाँ हूँ के लिए तीसरे प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है रामदरस मिश्र को, ठीक है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किसको सम्मानित किया गया है? रामदरस मिश्र को, उनकी किस कविता के लिए? मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारत का प्रतिष्ठित सम्मान है सरस्वती सम्मान, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त बल अभ्यास जो है बलकोह 2022 का आयोजन हुआ है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच जो है यह आयोजन हो रहा है और यह इस आयोजन का नवा संस्करण है। मैं यहाँ बता दूं कि भारत किर्गिस्तान युद्ध अभ्यास का नवा संस्करण विशेष प्रशिक्षण स्कूल बलकोह, ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में जो है स्थित है, यहीं पर ये आयोजन हो रहा है। अब आइए चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न की गिनती कम इसलिए हो रहा है क्योंकि 3 के बदले 4 लिखा हुआ था, 3 नंबर नहीं है। तो छठा प्रश्न है, यहाँ पर देश का सबसे ऊंचा OPD मेडिकल टावर कहाँ बनाया जाएगा? तो देश का सबसे ऊंचा OPD मेडिकल टावर जो है राजस्थान में बनाया जाएगा। राजस्थान में कहाँ पर? जयपुर में बनाया जाएगा। तो यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, देश का सबसे ऊंचा OPD मेडिकल टावर राजस्थान के जयपुर में बनाया जाएगा। अगला 7वां प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी स्कूल में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है? तो यह दिल्ली सरकार ने हॉबी हब
शुरू करने की योजना बनाई है। ये हॉबी हब है क्या, आइए इसको जानते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल में बच्चों की हॉबीज को बढ़ावा देने के लिए हॉबी हब खोला जा रहा है। इसके अंतर्गत डांस, म्यूजिक, थिएटर, फाइन आर्ट्स जैसे बहुत से क्षेत्रों में छात्रों की उनकी रुचि के अनुसार जो है कि उसको जानकारी दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। इसी मुहिम के तहत बच्चों की हॉबी को विशेष महत्व देते हुए उन्हें पढ़ाई के साथ ही अपनी रुचियों पर भी काम करने का मौका दिया जाएगा। उनको अपनी रुचियों के हिसाब से काम करने को भी जो है वहाँ पर समय दिया जाएगा। अब आइए चलते हैं आठवें प्रश्न पर। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक क्या नाम है, क्वीन ऑफ फायर, क्वीन ऑफ फायर के लेखक कौन है या लेखक का नाम क्या है? लेखक हैं देविका रंगाचारी। क्वीन ऑफ फायर के लेखक का कौन है, देविका रंगाचारी। यह पुस्तक जो है रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वीन ऑफ फायर देविका रंगाचारी की लिखी हुई पुस्तक है और यह क्वीन ऑफ फायर जो है यह रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित पुस्तक है। अब आइए चलते हैं आज के नवे प्रश्न पर। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपति 2022 की लिस्ट में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? यह स्पेस एक्स एवं टेस्ला के मालिक हैं एलन मस्क। ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ये बेजोस जो हैं अमेजन के मालिक, वो सेकेंड नंबर पर हैं, याद रखिएगा, अमेजन के मालिक जेफ बेजोस। आइए चलते हैं अगले 11वें नंबर प्रश्न पर। बिहार के राज लक्ष्मी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट T20 के लिए हुआ है, वे किस जिला की रहने वाली हैं? वह राज लक्ष्मी जो है जिसका चयन महिला क्रिकेट T20 के लिए किया गया है, सुपौल जिला की रहने वाली हैं और यह राज लक्ष्मी, तो राज लक्ष्मी को बिल्कुल नहीं भुलाइएगा। यह सीनियर महिला क्रिकेट T20 के लिए इनका चयन हुआ है, सुपौल जिला की रहने वाली हैं। अब आइए चलते हैं आज के अंतिम और 11वें नंबर प्रश्न पर। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर जो है बिहटा, पटना जिला में पड़ता है, खोले जाने की घोषणा की गई है। अब जो है कि ट्रेनिंग, फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग के लिए बिहार से लोगों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, दूसरे राज्यों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जा रहा है? बिहटा में खोला जाएगा, जो पटना जिला में स्थित है। आइए चलते हैं आज के इतिहास पर। आज है आज का 8 अप्रैल और 8 अप्रैल के इतिहास में हम लोग जानेंगे आज के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो आइए जानते हैं। पहला प्रश्न है 1857 में हुई क्रांति, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेजों पर पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल को ही, यानी आज के ही दिन, ठीक है, याद रखिएगा। मंगल पांडे को जो फांसी हुई थी वह 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को हुई थी। 1929 में दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार किया गया था, तो वो भी आज के ही दिन हुआ था, 8 अप्रैल को ये सब हुआ था। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जो है असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। और चलिए जानते हैं आज का तीसरा इतिहास। 1950 में, यानी आज के दिन 8 अप्रैल को 1950 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच लियाकत नेहरू समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए थे। यदि आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जोरदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आप वीडियो को पसंद कर रहे हो। तो बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।